हमारे जीवनों में भी कभी कभी हम जो है गलत फैसला कर लेते हैं, गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, राजे मांग लेते हैं, अधिकार मांग लेते हैं। हमें ये अधिकार चाहिए, हमें एक अधिकार में चलाने वाला चाहिए। हे भाई और बहनों, जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर हमारा राजा रहेगा, जब तक परमेश्वर हमें चलाने वाला हमारे साथ रहेगा, तब तक कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और कभी वो गिरने नहीं देगा। शत्रु शैतान से भी वो हमें बचा सकता है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, इंसानों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, उनकी शक्तियों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, हे भाई और बहनों, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमें फिर से परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे भी तो भी हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा। हे भाई और बहनों, इसराइलियों के राजा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के राजे के ऊपर विश्वास किया कि जिससे कि सारे देशों के राजा है, हमें भी वैसा ही राजा चाहिए, सैमुएल से आके पूछा। लेकिन परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, इन्होंने तुम्हें निकम्मा नहीं, मुझे निकम्मा कहा है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, परमेश्वर को निकम्मा जाना और परमेश्वर की सहायता नहीं ले पा रहे हैं। मुँह से तो हम कहते हैं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन मदद जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्रियों के पास, पुलिसों के पास, राजाओं के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। हे भाई और बहनों, इसराइलियों ने भी यही किया। जब सैमुएल बूढ़ा हो गया था तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, अब तो सैमुएल बूढ़ा हो गया है, अब हमारा कोई नहीं रहेगा। हे भाई और बहनों, इतने साल से परमेश्वर उनके साथ होके चलाते हुए आया, क्या उनके लिए कोई और तैयारी नहीं करता परमेश्वर, अगर वो लोग विश्वास करते तो? हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवनों में जो है मुसीबतें भी शुरू हो जाती हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पहला राजा का चुनाव किस तरह से हुआ? उन इसराइलियों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए, वो राजा हमें चाहिए जो कि सारे देशों में राजा है, हमारे लिए भी एक राजा चाहिए। सारे हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सारे लोगों के पास ये है, हमारे पास भी ये चाहिए। तो भाई और बहनों, तो आप परमेश्वर के ऊपर किस तरह से भरोसा कर रहे हो और किस तरह से विश्वास कर रहे हो? परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया और वो राजा के गुणों को बताया। अगर वो राजा तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा तो एक दिन रोना पड़ेगा और तुम्हें रोना पड़ेगा, और उस दिन तुम परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ाओगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा उस दिन। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी हम लोगों ने भी कई गलत फैसले ले लिए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। हमने राज्यों के ऊपर भरोसा किया, पुलिसों के ऊपर भरोसा किया, और मंत्रियों के ऊपर भरोसा किया, पैसे वालों के ऊपर भरोसा किया, ताकत के ऊपर भरोसा किया। जब हमारे सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, हमने परमेश्वर को छोड़ के घुटने टेक के प्रार्थना करने के बजाय हमने परमेश्वर को त्याग के अपना अपना मार्ग ले लिया। जब हम अपना अपना मार्ग लेते हैं तो भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी ऐसे ही मुसीबत आएंगे। जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, कभी कभी एक दिन उसी की वजह से हम धोखा भी खाते हैं और फिर परमेश्वर के सामने आके फिर पुकारते हैं, हे परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, हम जब मुसीबत में थे, हम जब दुख की घड़ी में थे, तो हमने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लोगों के ऊपर भरोसा किया, ताकत के ऊपर भरोसा किया, पैसे के ऊपर भरोसा किया, राज्यों के ऊपर भरोसा किया, पर उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं जब पूरी तरह से फंस जाते हैं। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं
पहले से ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें पहले से ही प्यार करते हुए आया हूँ, जैसा मैं मूसा के साथ, जैसा सारे भविष्यवक्ताओं के साथ होके मैं उनके साथ चला, आज भी मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करो और मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ, सच्चा राजा हूँ। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम परमेश्वर